जिस जो टाइम मिला था उस टाइम से लेट हो गए गाइस। इतनी हड़बड़ी हो रही है कि मैं आपको टॉपिक ही नहीं बता पा रहा, पर थोड़ा वेट करो, पहले अपन कार में बैठ जाते अच्छे से, उसके बाद मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। मैंने अपना बाल भी अच्छे से नहीं बनाया, बताओ इतना लेट हो रहा है। जाओ मम्मी फटाक से गाड़ी में बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाता हूँ। अरे यार इधर तो जगह नहीं है, आप भी जाओ बैठो, कार को पीछे करना पड़ेगा। गाइस मैं भी बैठ चुका हूँ अब कार में। तो चलो अब बताओ अपन इतना हड़बड़ी क्यों है हमको। गुड मॉर्निंग, अरे दही खा लो नहीं बता रहे, ये बताओ इतनी जल्दी क्यों हो रही है हमको। हम लोग को किसके लिए हो रही है? हाँ बताओ किस चीज का पूजा है बताओ। बजरंग बली का पूजा कहता है। मम्मी आप बताओ, मम्मी नहीं बोल पा रही, रहन दो। मम्मी का थोड़ा ठीक हुआ है पर अभी भी उनका थोड़ा गला खराश है। गरारा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। मम्मी मेरे को बता दो, मैं बोलूंगा। गाइस जो हमारी दुर्ग वाली मौसी है वो सत्यनारायण जी का पूजा रखी है और वो पूजा सेक्टर 9 में होने वाला है, जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे। तो अभी हम लोग वहीं के लिए निकले हैं फटाफट से, हमको बहुत लेट हो गया है। क्यों बेबी यही लेट की है? वो मैंने बोला इसको और इसने बोला उसको, फिर ये बोलेगी मेरे को। तूने किया? पर मैंने लेट नहीं किया है, इसी ने किया है लेट, इसी ने। पापा और मैं चले गए थे, वो हेयर कट के लिए चले गए थे पापा और मैं, इसीलिए लेट हो गया, वरना तो हो जाता। तोड़ दूं क्या? नहीं। वाह यार ये स्टार कहाँ से दिख रहा है आपको? दिखा ना अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे दिख रहा था, पता नहीं यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा था स्टार का। तेरे नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे लोग पे पड़ता है। चलो वाइब्रिज तक तो पहुँच गए, अब फटाक से बस ज्यादा दूर नहीं है। बहुत दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, बस इसके उतरने के बाद आ जाते हैं। ये इस ब्रिज को वाई ब्रिज बोलते हैं, मतलब इसका नाम ही है क्या? क्योंकि इसका शेप वाई है, ये दो तरफ जाते हैं ना, नेहरू नगर और भिलाई सेक्टर 9 तरफ। हम लोग जा रहे सेक्टर 9 में ना। गाइस देखो कितना सुंदर ट्री है, पहुंच गए वहाँ पे, वो है नदी नहीं है, पाउंड है, पाउंड मतलब अच्छा मास्क लेना है। पापा करेंगे कार पार्क, अपन चलते हैं पैदल निकलो बाहर पैदल। आ जाओ रे, जाओ आप जाओ, चिल्लर विल्लर नहीं पकड़े हैं, पूजे में लगते हैं ना। चलो अपन चलते तब तक। गाइस ये भी रास्ता है, वो अपन मास्क लेने आए थे, वहाँ हॉस्पिटल है। छोटी सी हाँ अभी नहीं बताने, सरप्राइज है ना वो, अब बोल दियो तो बता ही दो, मत बताओ पर उसको दिखाएंगे अभी नहीं, अभी चलते हैं फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको। किसके साथ खेलेगी बेटा? लेकिन गाइस वो मेरे से डरती है यार, इधर से जाने यार, इधर से। गाइस लेकिन वो मुझसे डरती है पता नहीं क्यों। गाइस प्रसाद ले लिया हम लोगों ने, ऊपर रखो, लदे मेरे को दे दे, लदे दे, मंदिर में ले जाना और पूजा में रख दे इसलिए दो ली। गाइस यहाँ का व्लॉग बनाया हमने आपको याद है? गाइस बात करते करते हम लोग पहुंच भी गए मंदिर तक, भागो मत, ये इन्हें कहते हैं गंदे बच्चे। मेरे को अच्छे बच्चे बोलते हैं, मैं एकदम धीरे धीरे चलता हूँ। गाइस वो देखो बैठे हैं हमारी मौसी लोग, मौसा मौसा जी, और ये देखो मंदिर कुछ ऐसा है। जय श्री राम। मंदिर में घुसने से पहले अपने हाथ पैर धो लीजिए, चालू रखिए, बंद करिए, बंद नहीं मैं ही करूं, इससे जो है हम शुद्ध हो जाते हैं।
चलो बच्चे लोगो, गाइस पूजा तो स्टार्ट हो गई है। पहले हम लोग बना लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। इतना जोर से कौन बजाता है? मैं हम से बजाई पता है। गाइज एक बार हमने बजरंगबली के मंदिर का पूरा डिटेल वीडियो बनाया था। जय दुर्गा मैया। गाइज इसके नीचे हनुमान चालीसा की बुक है, मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ी देर बैठ के। शांति मन से यहाँ पूजा करो, आपको बहुत ही मजा आएगा। जय श्री राम। अब चलते हैं मौसी जी के पूजा में। और भाला भैया, राजा भैया, तो ये हमारे राजा भैया और वो बाला भैया, ये छोटे और वो बड़े हैं मौसी के बेटे। तो गाइस ये हमारे मौसा जी है और वो मौसी। भी पूजा चालू हो गई है। कब से चालू हुई है? हो गई, करीब 12 घंटा हो गई है पूजा। हम लोग लेट आए, पूजा में लेट हो। हाँ वो तो है, हम लोग हड़बड़ी कर रहे थे वहाँ। गाइस अभी कथा चल रही है, वहाँ पे बैठी है नन्नू बेबी लोग के साथ खेल रही है। और जिस उपाय करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे तुम सुनो। और वचन से कहता हूँ कि श्री सत्य भगवान के व्रत को भली भांति वचन सुन के नारद जी बोले कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि तथा व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक आप हमसे कहिए। श्री भगवान ने कहा कि यह धन और सौभाग्य को शांत करने वाला है, धन और धान्य को बढ़ाने वाला है तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वस्व विजय को देने वाला। और जिस किसी वो जो सत्यम भगवान की वो जो वृंदावन बिहारी लाल की ओम महाय ओम श्री सत्यम द्वितीय अध्याय प्रारंभ। सूची बोले कि पहले समय में जिसने इस व्रत को किया मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहते हैं। वह भूख गाइस अब हम लोग आपको पीहू से मिलाते हैं। पीहू हेलो कर दो, पीहू हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो। मेरे से डरती थी ना, अभी भी डरती है। पीहू इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। चुपचाप रहो, चुपचाप, चुपचाप थोड़े। कुछ बोल के दिखाओ। पकड़ इसको। बोल दो, नहीं, नहीं बोल क्यों? नहीं, बोल दो। चुपचाप रहो ना। राम राम कर दो, राम राम। पढ़ाई करोगे? नहीं। पढ़ाई करेगी? अभी पढ़ाई करेगी? नहीं। इतना स्वेटर क्यों पहना के रखे इसको? इसका तबीयत खराब। पीहू मेरे पास आए काम। गाइस हम सब लोग अभी हवन करने जा रहे हैं। अब हवन करने वाले हैं।
ये मेरे को क्यों पकड़ा दी, पकड़ देखो मधुमक्खी का छत्ता, दो दो ठोक, दो ये की और भी है, मशीन कट गई है तो इसको काट के हनी निकाल सकते हैं। कहाँ हनी निकला है, अब बस हवन स्टार्ट हो चुका है। डर गई, तीन तीन बार जल छोड़ दीजिए बाकी सब छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, हम लोग खेल रहे। कैसे खेल रहे? अरे पीहू भी आ गई खेलने, उसको कोई पकड़ता है तो छिड़छिड़ाती है। आप क्यों बैठ गए? मम्मी आपको बुला रहे हैं पापा। ये आरती भी स्टार्ट हो चुका है गाइस। वो देखो ना, वो जमीन से नहीं गड़े, आप बैठे हो ना इसलिए गिरेगा, नहीं गिरेगा। देखिए यहाँ पे धूप सेका जा रहा है। गाइस आप भी आरती ले लो। ये देखो मम्मी पापा।
सुबह समोसा क्यों? भूख लगी है क्या? खाना भी पापा माली धागा बना रहे, मैं भी बना लेता हूँ उनके बाद। आलू जैसे खुद हो। फिलहाल अभी प्रसाद की तैयारी हो रही है। गाइस पैकअप हो चुका है और अभी अपन जा रहे हैं। आगे बढ़िए है? आगे बढ़िए, चलिए चलिए। अब यहाँ का कार्यक्रम अच्छे तरीके से निपट गया, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम हुआ। कितने बार करवाए हो आप पूजा? ये भैया मतलब लगभग साजन ये साल में एक बार हो ही जाता है आपके घर में? हाँ, एक बार हो ही जाता है, कभी मंदिर में कभी घर पे। हाँ ये तो होता ही है, और सत्यनारायण की कथा ऐसी है कि हर किसी को सुननी चाहिए और सबके लिए बढ़िया। आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं नहीं सब बढ़िया। अपने बारे में बता दो थोड़ा। हो गया, अपने बारे में बता दो। नहीं अपने बारे में कुछ है ही नहीं। इनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। गाइस हम लोग कार में बैठ चुके हैं और अब हम लोग घर जा रहे हैं सीधा। बेबी क्या बदतमीजी है, बहुत अच्छी हवा आ रही है। पांडे राम कुछ बोलना चाहोगी? और गाइस मत बोल, कोई जरूरत नहीं है, मैं करते रहती है बस। ब्रिज में आओ, ब्रिज से वापस जाएंगे ना, तो ब्रिज से ही तो आए थे। तो गाइस कैसा लगा आपको व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो कर दो सब्सक्राइब। वीडियो को हम लोग करने जा रहे हैं यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए गुड बाय और स्टे सेफ।